हेलो दोस्तों, मेरा नाम हर्षा त्रिवेदी है और हर्षास किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ नायलॉन खमन की रेसिपी। ये खमन खाने में बहुत ही लाजवाब बनते हैं। इसको आप सुबह के ब्रेकफास्ट में या शाम की हल्की बुल्की भूख में बना सकते हो। नायलॉन खमन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक स्टीमर में पानी लिया है, उसके अंदर एक स्टैंड रखा है और अब ये पानी को हम उबलने देंगे। यहाँ पर मैंने एक एल्यूमिनियम का कंटेनर लिया है जिसको ऑयल लगा के ग्रीस कर लिया है, उसको भी इसी स्टीमर में रख देंगे और इसको भी हम गर्म होने देंगे। एक बाउल में आधा कप जितना पानी ऐड कर देंगे, उसके अंदर हाफ टेबल स्पून सिट्रिक एसिड यानी कि नींबू के फूल लिए हैं वो ऐड करेंगे। अगर आपके पास नींबू के फूल नहीं है तो आप एक नींबू का रस भी ले सकते हैं। अब ये नींबू के फूल को पानी में अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 2 कप बेसन लिया है, ग्राम में ये 200 ग्राम है, उसको छानना जरूरी है। मैंने इसको छान के ले लिया है, उसको हम एक बाउल में ले लेंगे और इसके अंदर हमने जो सिट्रिक एसिड वाला पानी रेडी किया था वो धीरे धीरे ऐड करके इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। पानी को आपको धीरे धीरे ही ऐड करना है वरना बेसन में गुठली हो जाएगी। आप देख सकते हो कि ये बैटर रेडी हो गया है। ये बैटर रेडी करने में मुझे 1 कप जितना पानी लगा है। अभी इसमें हम पीच ऑफ हल्दी ऐड करेंगे और स्वाद के अनुसार नमक भी ऐड कर देंगे और बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये बैटर में 1/2 टीस्पून जितना खाने का सोडा, बेकिंग सोडा ऐड करके उसको एक ही डायरेक्शन में हमें मिक्स करना है। अब देख सकते हो कि बैटर गाढ़ा हो गया है। अब हमने जो स्टीमर रखा था वो भी गर्म हो गया है, उसके अंदर हम ये बैटर ऐड कर देंगे। अब स्टीमर को ढक के हम ये नायलॉन खमन को 15 मिनट के लिए बॉईल कर लेते हैं। 15 मिनट हो गई है और हम ढोकले चेक कर लेते हैं। उसमें नाइफ डालेंगे और देखेंगे नाइफ क्लीन आई है, उसका मतलब ढोकला रेडी है। इसको हम साइड में निकाल के 15 मिनट के लिए ठंडा कर लेंगे। 10 मिनट के बाद हमने ढोकले को डीमोल्ड कर लिया है। अब हम उसके ऊपर तड़का लगाते हैं। तड़का लगाने के लिए एक तड़का पैन में मैंने 2 चम्मच जितना ऑयल डाला है। ऑयल गर्म हो जाएगा उसके बाद हम 2 टेबलस्पून जितनी राई डालेंगे। राई अच्छे से क्रैकल हो जाएगी, उसके बाद मैंने 3 से 4 करी पत्ता लिया है उसको ऐड कर देंगे और 2 हरी मिर्च को ऐसे बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है वो भी ऐड कर देंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून जितने सफ़ेद तिल लिए हैं वो ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून जितनी शक्कर ली है वो ऐड कर देंगे और उसी के साथ हम इसमें 1/2 ग्लास जितना पानी भी ऐड कर देंगे। अब ये तड़के को हम एक उबाल आ जाए तब तक उबाल लेंगे। इसके अंदर हम थोड़ा नमक भी ऐड कर देंगे। अब ये तड़के को अच्छे से बॉईल होने देंगे। दोस्तों, अब ये जो तड़का था उसमें अच्छे से उबाल आ गया है तो हमारा तड़का रेडी है। इसको हम ढोकले के ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। ढोकले को मैंने कट करके रेडी कर लिया है, उसके ऊपर हम ये तड़का अच्छे से स्प्रेड कर देंगे।
खमन के ऊपर सारा तड़का हमने स्प्रेड कर लिया है, उसके ऊपर हरा धनिया से हमने गार्निशिंग भी कर लिया है। अब ये नायलॉन खमन खाने के लिए रेडी है, तो अब हम उसको डिस आउट कर लेते हैं। तो दोस्तों, अब ये हमारे नायलॉन खमन खाने के लिए रेडी है। आप देख सकते हो ये कितने सॉफ्ट और जालीदार बने हैं। तो आप भी इसको एक बार ज़रूर बनाइए। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।